गुल्ली और सोन छत पर बैठकर बुल्ली के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की जीप खराब हो गई है और बुल्ली जीप बनाने के लिए ले गया है। और बुल्ली के आते ही ये लोग अपने दोस्त के घर पर जाएंगे, क्योंकि आज इनके दोस्त का बर्थडे है और ये लोग अपने दोस्त को सबसे पहले विश करना चाहते हैं। और यहाँ पर इनका दोस्त कंप्यूटर में कुछ जरूरी काम कर रहा होता है और आज इसी का बर्थडे है। और क्योंकि इसका ध्यान अपने काम पर है, इसलिए इसे अपने बर्थडे के बारे में कुछ याद नहीं है। पर तभी अचानक से बेल बजता है, जिससे यह घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर इतनी रात को भला यहाँ पर कौन आएगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 12 बज रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि जरूर उसका कोई दोस्त यहाँ पर उसे विश करने के लिए आया है। और इसलिए वो अपने कुर्सी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर चला जाता है। और अब लगता है कि गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे पहले जोश को विश नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही जोश दरवाजा खोलता है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ बाहर कोई भी नहीं था। और वो सोचने लगता है कि तब आखिर ये बेल किसने बजाया। और वो जैसे ही नीचे देखता है, तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसने रखा, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। और अंदर बॉक्स लाकर जैसे ही जोश उसे खोलता है, तो उसके अंदर उसे एक अजीब सी डॉल मिलती है। वो डॉल देखने में बहुत ही डरावनी थी और जोश सोचने लगता है कि आखिर ये डॉल उसे किसने दी है। जरूर ये डॉल उसे उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाने के लिए दिया होगा। और इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके जोश फिर से अपने काम पर चला जाता है। और जोश शांति से फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये शांति ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। और कुछ देर बाद जोश को नींद आने लगती है और अब वो सोने जाएगा। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पे रखे हुए उसी डॉल पर पड़ती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने उस डॉल को बॉक्स में से निकाला ही नहीं था। लेकिन बाद में वो सोचता है कि शायद उसने उस डॉल को निकाल कर यहीं पर रख दिया था। और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर वो चला जाता है सोने। और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाता है और ये डॉल अभी भी उसी मेज पर है। पर तभी अचानक से वो डॉल खड़ी हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। Did you miss me? It's time. अरे ये क्या, इसके हाथ में तो चाकू है और अब ये जोश के ऊपर हमला करने वाली है। और तभी अचानक से जोश की नींद टूट जाती है। इसका मतलब ये सब जोश का एक सपना था। और होश में आने के बाद वो उस डॉल की तरफ देखता है और वो डॉल उसी जगह पर रहती है। और यहाँ पर गुल्ली और सोन को बुल्ली का इंतजार करते करते काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक बुल्ली यहाँ पर जीप लेकर नहीं आया है। उसके बाद सोन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हमें बुल्ली का इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और अगर बुल्ली सही समय पर नहीं आएगा तो हम लोग जल्दी से जोश के घर पर जाकर उसे विश कैसे करेंगे। और मेरे हिसाब से तो 12 बज भी गए होंगे और हमारा प्लान था कि हम लोग जोश को सबसे पहले विश करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने जो सोचा था वो हो पाएगा, क्योंकि 12 कब के बज चुके हैं और अभी तक हम लोग जोश के घर पर पहुंचने के लिए निकले भी नहीं हैं। और अब तक किसी न किसी ने तो जोश को ज़रूर विश कर दिया होगा, क्योंकि जोश के बहुत सारे दोस्त हैं और लगता है कि सबसे लास्ट में हम ही लोग जोश को विश करेंगे। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ सोन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आखिर अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इसमें बुल्ली की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग तो निकल ही रहे थे कि अचानक से जीप खराब हो गई। अगर ये जीप अचानक से नहीं खराब होती तो हम लोग जोश के घर पर जाकर उसे कब का बर्थडे विश कर दिए होते। और फिर गुल्ली रोड के पास देखने लगता है
उसके बाद वो सोन से बोलता है, लो आखिरकार बुल्ली आ ही गया, चलो अब जल्दी से हम लोग जोश के घर चलते हैं, वरना कहीं हम लोग जोश को सबसे लास्ट में ना विश कर दे। और बुल्ली जीप लेकर वहां पर आ जाता है। उसके बाद वो गुल्ली और सोन को नीचे आने का इशारा करता है। और अब यहाँ पर जोश को नींद नहीं आ रही होती है और उसे काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है और वो चाहता है कि जल्दी से कोई यहाँ पर उसे विश करने आए, क्योंकि अकेले उसे डर लग रहा है। और ये सब शायद उसके उसी सपने के वजह से हो रहा है, जिस सपने में वो डॉल उसे मार डालती है। और उस सपने को देखकर जोश काफ़ी डर चुका है और अब उसे उस गुड़िये से डर लग रहा है और इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही है। इसलिए वो उठकर बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि जल्दी से कोई यहाँ पर आए, क्योंकि अब उसे अकेले इस घर में डर लग रहा है। और तभी उसे ऐसा लगता है कि वो डॉल अपना सर हिला रही है और इसीलिए डर के मारे जोश वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है। उसके बाद जोश उस रूम से निकलकर छत पर चला जाता है और बाहर नजारा देखने लगता है। और तभी अचानक से उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ही डर जाता है। अरे ये तो वही डॉल है और इसके हाथ में तो चाकू है और ये तो जोर जोर से हंस रहा है। लगता है अब ये जोश को मार डालेगा। और जोश जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ता है तो उसे वहाँ पर चकी दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सोन भी जोश के घर पर आ जाते हैं और वो लोग जोश को बुलाने लगते हैं, लेकिन क्योंकि जोश छत पर चकी के साथ फंसा हुआ है इसीलिए वो नीचे आकर दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। और गुल्ली बुल्ली और सोन सोचने लगते हैं कि आखिर जोश क्या कर रहा है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्योंकि जोश देर रात तक जागता रहता है और आज तो उसका बर्थडे है इसलिए उसे तो अभी तक जागते रहना चाहिए। उसके बाद बुल्ली गुल्ली और सोन से बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जोश अभी सो गया होगा और वैसे भी उसने हम लोगों को कहा था कि आजकल उसे बहुत सारा काम मिल रहा है और ज़रूर वो काम करके थक गया होगा और इसीलिए वो सो गया होगा, वरना वो हम लोगों के लिए दरवाज़ा ज़रूर खोलता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी यहाँ पर जोश को विश करने आए थे वो सभी लोग यहाँ से बिना उसे विश करे ही चल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो चलो अब हम लोग भी अपनी जीप लेकर यहाँ से निकल जाया जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली जैसा तुम बता रहे हो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जोश के दोस्त यहाँ पर उसे विश करने आए होंगे और फिर जोश उन लोगों को 5-स्टार होटल में पार्टी देने के लिए ले गया होगा, और अगर हम लोग सही टाइम पर यहाँ पर आ गए होते तो आज हम लोग भी 5-स्टार होटल में खाना खा रहे होते। खैर छोड़ो, हम लोग कल सुबह आकर उसे विश कर देंगे और अब चलो यहाँ से। जिस पर बुल्ली बोलता है, पर गुल्ली आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा 5-स्टार होटल है जो इतनी रात को खुला रहता है, क्योंकि सारे होटल 10 बजते बंद हो जाते हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, अरे यहीं पास में तो एक 5-स्टार होटल है जो 24 घंटे खुला रहता है, और घर जाने से अच्छा हम लोग क्यों ना उसी होटल में जाए, क्या पता हमें वहाँ पर जोश मिल जाए। पर इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जाते, तभी बुल्ली देखता है कि जोश के घर का दरवाजा हल्का सा खुला रहता है, जो कि शायद जोश ने अच्छे से बंद नहीं किया था। उसके बाद वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात को जोश अपना दरवाजा खोल कर क्यों सोया है। उसके बाद वो तीनों एक एक करके जोश के घर के अंदर जाने लगते हैं। और फिर उन्हें खिड़की से जोश की गाड़ी दिखती है और फिर सोन गुल्ली और बुल्ली को बोलता है, जोश की गाड़ी तो यहीं पर है, इसका मतलब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 5-स्टार होटल में नहीं गया है बल्कि वो इसी घर में है, और बुल्ली ने जो कहा था वही सही है, जोश थकान के मारे सो गया होगा, चलो अब हम लोग उसे घर में ढूंढ कर उसे उठाया जाए। पर ये लोग ये बात नहीं जानते कि जोश का पाला चक्की से पड़ा था
और चकी ने तो कप का जोश का खेल ख़त्म कर दिया है और चकी अभी भी जोश को ही मारे जा रहा है। और अगर सही समय पर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से नहीं गए तो चकी इन लोगों को भी मार डालेगा। और तभी चकी को इन तीनों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे चकी जोश को छोड़ के वहाँ से उठ जाता है और अब वो गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ बढ़ने लगता है। बेचारा जोश, आज तो उसका बर्थडे था लेकिन चकी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है और उसका बर्थडे उसका डेथ डे बन गया। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों अलग अलग होकर जोश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर तभी कुछ देर बाद गुल्ली वापस से पीछे आ जाता है और वो छत की ओर देखने लगता है। पर आखिर इसने छत पर किसे देख लिया है? अरे ये तो चकी है। और इसने अब गुल्ली बुल्ली और सोन को देख लिया है और अब इन तीनों की खैर नहीं। और फिर चकी गुल्ली को डराने के लिए अपना आँख हिलाने लगता है। लेकिन गुल्ली डरने के बजाय उल्टा उस पर हंसता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जरूर कोई डॉल है और उसे नहीं पता है कि ये एक खूनी डॉल है। और फिर गुल्ली वापस से जोश को ढूंढने के लिए चल देता है और ये देखकर चकी को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सीढ़ी से उतर जाता है और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करने के लिए जाता है ताकि कोई भी यहाँ से बचकर भाग ना पाए। और फिर वो दरवाजे को बंद कर देता है। और दरवाजा बंद करने के बाद जैसे ही चकी पीछे मुड़ता है तभी वो देखता है कि गुल्ली ने उसे ये करते हुए देख लिया है। और अब गुल्ली को भी ये समझ में आ गया है कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है बल्कि ये एक शैतानी डॉल है। और अब गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, अब वो यहाँ से भाग कर कैसे जाए और वो गुल्ली और सोन को इस डॉल के बारे में कैसे बताए। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या चकी गुल्ली बुल्ली और सोन को भी जोश की तरह मार डालेगा या फिर ये तीनों किसी तरह बच जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।